जय हिंद दोस्तों, टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं दिखाए हूँ आप कैसे एक घर में ही एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारा कंपोनेंट मेरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। स्क्रू, ब्लूटूथ, USB किट, वायर और नॉब, कैबिनेट, सारा सामान यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसको असेंबलिंग करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाले हैं। इस वीडियो पे आप बहुत आसानी से एम्पलीफायर बना पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हीट सिंक, एक्स्ट्रा कैपेसिटर, सब कुछ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा और प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा कैसे आप एक अच्छे क्वालिटी का एम्पलीफायर बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं शील्ड वायर भी यूज करूँगा दोस्तों, और ये मेन ट्रांसफार्मर जो मैं 3 एम्पियर 0.12 का लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले हम ट्रांसफार्मर को सेटिंग कर लेते हैं, और यहाँ मैं स्क्रू से इसको टाइट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्पीकर का जो आउटपुट सॉकेट है उसको हम यहाँ टाइट कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा टाइट दे देता हूँ। अब ये जो ऑडियो इनपुट का सॉकेट है इससे ही हम ऑक्स का कनेक्शन देंगे, तो इसको हम कैबिनेट से अच्छी से इसको टाइट कर देते हैं। और मेन एसी कॉर्ड को अंदर से हम यहाँ पे जो एसी कॉर्ड का 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को हम ट्रांसफार्मर से एक वायर से लगा देते हैं और एक वायर को इस स्विच में लगाते हैं। फिर ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वायर रह गया है वो दोस्तों हम इस वायर को स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, जब स्विच देंगे तो ये स्विच होके ट्रांसफार्मर का दूसरे वायर के साथ एसी सप्लाई का कनेक्शन हो जाएगा। तब जब भी स्विच देंगे तो ट्रांसफार्मर सप्लाई चला जाएगा। और इसको हम ब्लैक टेप से बहुत अच्छी तरह से लगा लेते हैं, और इन सारे उलझे हुए वायर को एक साथ हम जोड़ के रखते हैं जैसे कहीं उलझ ना जाए। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब बारी है दोस्तों किट का। जो किट का मैं पहला पार्ट 1 एक वीडियो पर मैं दिखा चुका हूँ कैसे आप 44-40 IC को फुल वायरिंग कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों इस किट का पहला काम जो हम करेंगे, ये 3300 mAh 25 वोल्ट का कैपेसिटर को चेंज करके हम यहाँ पे 4700 mAh 2 कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किया हूँ, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, इन दोनों कैपेसिटर को मैं एक साथ ऐसे बना लिया। फिर इसको चेंज करके मैं यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर के लिए ये यूज करूँगा, और ये करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक 3300 mAh कैपेसिटर एक 44-40 IC सर्किट बोर्ड के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 कैपेसिटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूँ, जिससे इसका क्वालिटी और भी बेहतर हो जाएगा। ये हेवी मोटे गेज का हीट सिंक मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, इससे इस किट का IC हीट होने का चांस बहुत ही कम होगा, इसलिए ये हीट सिंक लगाऊंगा। और इसको मैं यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर लेता हूँ, जिससे इसका जो सारा हीट है इस हीट सिंक में चला जाए। तो इसको मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। और दोस्तों ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हीट सिंक ही दोस्तों होता है किसी भी किट का मेन पावर का जो हीट है वो कंज्यूम करता है। तो और मैं यहाँ पर एक और भी एक्स्ट्रा हीट सिंक मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, टोटल 2 हीट सिंक लगा लिया मैं यहाँ पे। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पोटेंशियोमीटर, इसको मैं एक एक करके यहाँ पे कैबिनेट के साथ सेट करूँगा। तो पहले मास्टर वॉल्यूम को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो बेस, ट्रिबल और बैलेंस का जो पोटेंशियोमीटर है सबको हम एक एक करके यहाँ से लगा लेते हैं, और अच्छे तरीके से इसको टाइट भी दे देते हैं। और यहाँ पर 3 स्विच हैं, इस स्विच का कनेक्शन भी हम बाद में करेंगे तो वो दिखाएँगे। पहले हम अब ये जो 2 माइक का सॉकेट है इसको हम एक एक करके लगा लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे तरीके से टाइट भी दे देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 माइक का सॉकेट सेटिंग हो चुका है। अब दोस्तों USB ब्लूटूथ का ये जो मॉड्यूल है इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अंदर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, फिर स्क्रू से इसको टाइट करके सेट कर देता हूँ। तो ये दूसरा स्क्रू यहाँ पर मैं लगा लिया, और दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ USB मॉड्यूल का यहाँ पे मैं सेट कर लिया, और इसको अच्छी तरह से मैं इसको टाइट कर देता हूँ।
अब दोस्तों स्पीकर आउटपुट का हम कनेक्शन करेंगे ये ब्लैक वाला वायर 10 नंबर पिन से, ये रेड वाला वायर 12 नंबर पिन से, ये दूसरा भी एक ही सेम है। और इसका वायर मैं काफ़ी हैवी गेज का यूज किया हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम स्पीकर आउटपुट सॉकेट के साथ कनेक्शन करेंगे। तो पहला वाला एक चैनल के लिए मैं मान के चले ये अगर राइट वाला चैनल है तो ये पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ब्लैक वाला वायर को, नेगेटिव के लिए यूज कर रहा हूँ 10 नंबर पिन को, और 12 नंबर पिन को मैं प्लस के लिए यूज कर रहा हूँ राइट चैनल के लिए। तो दोस्तों ये हो गया राइट चैनल का कनेक्शन, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ। अब दोस्तों लेफ्ट चैनल के लिए यहाँ पे मैं 10 नंबर जो पिन से आया है वायर, ब्लैक वायर को मैं 10 नंबर पिन से लिया हूँ और रेड को मैं 12 नंबर पिन से लिया हूँ। तो सारा कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लूटूथ यूएसबी मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पे 7805 का एक सर्किट बनाया हूँ। आप चाहे तो मोबाइल का 5 वोल्ट वाला चार्जर भी यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर जो मेन फंडा है इनपुट, दोस्तों ये स्विच अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 पिन होता है एक स्विच में, मिडिल पॉइंट सेंटर पॉइंट है और दोनों तरफ से जो दो दिख से आता है उस पर आप जिसे दबाएंगे उसके साथ कनेक्शन होगा। तो इनपुट को मैं मिडिल पॉइंट पर रखूँगा क्योंकि मैं ये सिंपल तरीके से कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और मॉड्यूल का दो वायर को, लेफ्ट राइट दोनों वायर को मैं एक पॉइंट से मैं रख रहा हूँ, दोनों पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, जिससे जब स्विच दबाएंगे तो मॉड्यूल के साथ कनेक्शन हो जाएगा और जब आप स्विच को ओपन करेंगे तब ये जो यहाँ पे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ बाहर से ऑक्स का, वो ऑक्स के साथ कनेक्शन हो जाएगा मेन सर्किट का इनपुट से। दोस्तों ये स्विच दोनों तरफ से ही काम करेगा, एक बार इनपुट को देगा जो बाहर से ऑक्स का कनेक्शन दिया हूँ और एक बार ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन करेगा सेंटर में। तो ये एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा। और ये जो दोनों का ग्राउंड है, सभी ग्राउंड के मैं यहाँ पर एक साथ जोड़ रहा हूँ जिसे हमिंग रोक जाए, तो ये ग्राउंड आप ठीक से करना दोस्तों। तो यहाँ पे ये कनेक्शन थोड़ा आपको अजीब लग सकता है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये मान लीजिए ये एक स्विच है, ये स्विच पे 6 पॉइंट है दोस्तों। ये दोस्तों एम्पलीफायर का इनपुट दे दीजिएगा मिडिल में, और ये दो पॉइंट लेके आप यूएसबी ब्लूटूथ का कनेक्शन दे दीजिएगा, और यहाँ से लेके आप दोस्तों ऑक्स का कनेक्शन दे दीजिएगा। जब ये स्विच दबाएगा यहाँ से ऑक्स के साथ कनेक्शन होगा, और इधर से जब दबाएगा तो ब्लूटूथ यूएसबी से कनेक्शन होगा। वेरी सिंपल है दोस्तों, इस सर्किट को एक बार आप देख लीजिएगा। और दोस्तों जब माइक्रोफोन का कनेक्शन करेंगे तब आप इनपुट में डायरेक्ट लगा दे सकते हैं जिससे कराओके बन जाएगा, और अगर आप चाहे तो इसको एक स्विच से भी कर सकते हैं जिससे यूएसबी टाइम यूज के टाइम वो ऑफ रहेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कनेक्शन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसी ट्रांसफार्मर से हम देंगे ब्रिज से, और ये कैसे देना है ये तो आप लोगों को मालूम है, बीच में देना है दोस्तों, फिर जाके ये एसी डीसी बनके एम्पलीफायर को सप्लाई देगा। तो ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन हो चुका है, अब यूएसबी का जो पावर सप्लाई है उसको हम देंगे। और दोस्तों यहाँ पे 7805 का जो मैं सप्लाई बनाया था पहले से ही, तो इस पर हम यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई ले लेते हैं यहाँ पे। तो 5 वोल्ट से मैं एक कनेक्शन कर दिया हूँ पॉजिटिव का, और इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव का कनेक्शन ले लिया। तो यूएसबी का कनेक्शन आप देख के लगाइएगा, कहीं उल्टा लगाए तो यूएसबी ख़राब हो सकता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से चेक करके ही सप्लाई देना है। अब दोस्तों इन मेन फिल्टर कैपेसिटर से ही मैं इस 7805 आईसी को जो मेन सप्लाई देना है तब जाके वो रेगुलेट करता है, तो उसको हम सप्लाई दे दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है ग्राउंड, दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव से ही मैं चैसिस के साथ एक वाशर लगा के, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चैसिस के बॉडी के साथ मैं यहाँ पे ग्राउंड कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमिंग रोकने के ग्राउंड अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जितने भी उलझे हुए वायर हैं सबको मैं एक साथ अटैच कर दिया हूँ। अब हम इसका जो और भी एक हीट सिंक था इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे जिससे ये आईसी हीट होने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं क्या कितना हेवी यहाँ पे हीट सिंक मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो अब दोस्तों अब हम यहाँ पे जो सारा नॉब है बेस ट्रिबल बैलेंस और वॉल्यूम का, यहाँ पे सारा नॉब को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और दोस्तों एम्पलीफायर अब दोस्तों देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी बन के तैयार हुआ है दोस्तों मार्केट में किसी भी 40-40 का एम्पलीफायर इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अब साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए हम इस एम्पलीफायर के ऊपर साउंड टेस्ट करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे इस एम्पलीफायर में
हमिंग आता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे मेन वॉल्यूम कंट्रोल को फुल इंक्रीज कर दिया हूँ दोस्तों, और आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हमिंग का कोई भी गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कोई भी 1% भी यहाँ पे हमिंग नहीं है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे मेन वॉल्यूम कंट्रोल को मैं फुल इंक्रीज कर चुका हूँ, तो ये बात क्लियर है दोस्तों, इस एम्पलीफायर में कोई भी हमिंग इशू नहीं है। तो चलिए अब हम ब्लूटूथ से इसका कनेक्शन करते हैं और एक बार इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट। अब हम एंड में एक एलईडी लगाते हैं, ये हम 10K या 6.8 के रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे। अब दोस्तों इस एम्पलीफायर का ऊपर का कैबिनेट का हिस्से को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट में काफ़ी लाउड था, ट्रेवल भी ठीक ठाक था और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। और दोस्तों ये एक रेडीमेड एम्पलीफायर से मेरा ये हैंडमेकिंग एम्पलीफायर का क्वालिटी बहुत ही हाई था। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो देख के आप एम्पलीफायर बनाना सीख जाएंगे। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और भी नए नए वीडियो मेरा इस चैनल पर आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।